जय हिंद दोस्तों, हाल ही में खबर में आ रहा है कि चाइना के एक बकलोल प्रोफेसर ने दावा किया है कि जब इंडिया चाइना में बॉर्डर का डिस्प्यूट हुआ था 6 महीना पहले लद्दाख में, तो इन्होंने माइक्रोवेव वेपन का यूज किया था भाई साहब, और उससे इंडियन आर्मी वाले उल्टी कर दिए थे और उनकी डेथ हुई थी। अरे बाप रे, ये बकलोल तो कितनी बार समझाएं कि पाकिस्तान की अपनी बीवी मत बनाओ मत बनाओ, क्योंकि अरे जिसकी बीवी बहू की उसका भी बड़ा नाम है, अरे कपड़ा पे बिठा दो बुद्धि का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग जानेंगे कि एक्चुअल माइक्रोवेव वेपन होता क्या है और इनका जो स्टेटमेंट है चाइना का वो कितना बड़ा बेसलेस स्टेटमेंट, बिकॉज 2020 वी डोंट नीड न्यूज, वी नीड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब बात करते हैं कि माइक्रोवेव वेपन होता क्या है। तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में आप समझिए कि माइक्रोवेव वेपन एक ऐसा हथियार है जो कि हीट को उत्पन्न करता है और हमारे बॉडी का पूरा मतलब जो बॉडी है हमारा उस हीट को नहीं सह पाता और हमारी डेथ हो जाती है। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड होती है और जिसका जो बैंड होता है वो इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स के बीच का होता है, ठीक है। अब जो इसमें फिलामेंट यूज होता है वो टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है। टंगस्टन फिलामेंट कैपेबिलिटी होती है जो विद्युत होता है हमारा जो बहुत स्पीड में इधर की तरफ आ रहा होता है तो ये अवरोध पैदा करता है उसका, मतलब उसको एकदम अवरोध पैदा करेगा, एकदम गुस्से से लाल होता है जब विद्युत आता है तो लाल होने की वजह से वो बिजली का उत्पादन, मतलब जो हमारे जो ट्रेडिशनल बल्ब है उसमें आप देखे होंगे टंगस्टन फिलामेंट का यूज होता है जिसकी वजह से वो बल्ब जलना शुरू होता है। तो टंगस्टन फिलामेंट का यही काम है, इसके अवरोधक क्षमता की वजह से ये हीट को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और जो ये डिवाइस होता है जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो ये ऐसे तो उत्पन्न हो गया, अभी बीम ऑफ लेजर मान लो अभी हीट उत्पन्न किया तो आदमी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्या मतलब हमारे इधर लगेगा तो अफेक्ट होगा, इधर लगेगा तो अफेक्ट होगा, इधर लगेगा तो अफेक्ट होगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आप एक माइक्रोवेव ओवन से समझिए। देखिए माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, जब हम लोग खाना रखते हैं तो खाने में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे खाना में आपने कोई रस्से वाली ज़्यादा सब्जी बनाई या दाल वाल रखा तो उसमें पानी तो रहता ही है। तो ये क्या करता है, जब वो गर्म गर्म इलेक्ट्रॉन जब उसमें स्ट्राइक करता है, ये गर्म गर्म इलेक्ट्रॉन्स एक बीम ऑफ रेडिएशन में छोड़ता है तो उस पानी में जैसे छोड़ता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करना शुरू होते हैं, एकदम खूब तेज तेज ऐसे से वाइब्रेट करते हैं और उसके बाद वो खाना, वो पानी जो है वो धीमे धीमे गर्म लगता है, पूरे पूरे खाने को गर्म करता है। ठीक उसी प्रकार ये जब माइक्रोवेव रेडिएशन हमारे बॉडी में छोड़े आते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है उसमें 70% पानी है, जो 70% पानी है तो आपस में वो सारे वाटर के मॉलिक्यूल सब वाइब्रेट करना शुरू होते हैं बॉडी में और हमारे बॉडी जब टेम्परेचर उसको सह नहीं पाता है तो अल्टीमेटली हमारी डेथ होती है। तो ये एक माइक्रोवेव वेपन का वर्किंग। अभी चीनी बो का क्या बोल रहा है अफीम खाके कि हाँ हमने माइक्रोवेव वेपन छोड़ा था इंडियन आर्मी के ऊपर, उल्टी मार दिए थे। चलो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक बार कर लेते हैं। देखिए जो ये माइक्रोवेव वेपन होता है सबसे पहले टारगेट को हिट करता है, ये मतलब टारगेट को आर पार करके ऐसा नहीं होता कि मान लिया हम लोग चार लोग खड़े हैं तो सबसे पहले मुंह हिट करेगा, ये नहीं कि एक साथ चारों को पीछे एक साथ लाइन से हिट कर देगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग पहाड़ के पीछे अपने आप को बचाए थे तो पहाड़ के पीछे अगर उसने पहले पहाड़ को भी हिट किया होगा तो पहाड़ ना गलना ना चाहिए जी, पहाड़ तो गलना चाहिए, पर्वत ससुरा गल जाना चाहिए पूरा, कहाँ गला। और उसका जो वेपन है वो अभी तक दिखाया क्यों नहीं, शो ऑफ क्यों नहीं किया कि माइक्रोवेव वेपन उन्होंने ऐसे ऐसे यूज किया है। तीसरी बात, हमारा लेमुआ कॉमकासा और ये बीका एग्रीमेंट जो यूएस के साथ हुआ है, इससे समझौते से हम एक एक चीज पे गतिविधि कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि कब ग्वादर पोर्ट पे आते हैं, कब सीपीसी क्रॉस कर रहे हैं, कब ये पाकिस्तान में जब इन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड कराया था तब भी हमने इनको इन्फॉर्म किया था, एक एक चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से एकदम से बेसलेस है, एकदम बेसलेस है, क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट है वो उस टाइम का फुटेज भी उन्होंने निकाला इंटेलिजेंस टीम ने, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया और फाइनली ये इंडियन आर्मी ने भी, इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये पूरी की पूरी बेसलेस है इन्फॉर्मेशन। अब ये ऐसा फैलाए क्यों, इसके पीछे लॉजिक समझिए ऐसी ह्यूमर फैलाने का। देखिए जब मैंने आपको ऑपरेशन क्लीन प्लेट चाइना के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इनकी किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, बहुत ही बेहतरीन किताब है। देखिए दुश्मन है तो क्या हुआ, दुश्मन की काबिलियत की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। द आर्ट ऑफ वॉर जो है वो किताब वाकई में बहुत अच्छी है, मैं एक बार कहूँगा कि आप लोग भी वो उसको पढ़िए। ये लोग क्या करते हैं, फिजिकली लड़ने से ज़्यादा मानसिक दबाव पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि अगर सामने वाले दुश्मन को हमने डरा दिया, एकदम एक तरह से उसके मन में खौफ ला दिया, तो फिर हम उनके ऊपर बहुत आसानी धावा बोल सकते हैं। ये जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है ये इनका स्टेटमेंट।
तो ये क्या करते हैं, मानसिक दबाव बनाते हैं, ये ह्यूमर में फैलाते हैं ताकि अगले वाले देश पे थोड़ा दबाव बन सके, डर सके। अरे ससुरा माइक्रोवेव वेपन भी आ गया इसके पास, S-400 भी आ गया, ये भी आ गया, अरे ये तो हमको ठोक देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हम इसका अलग पहलू नहीं देखते, हम लोग वही चीज देखते हैं जो हमको दिखाया जाता है। पैसा वैसा खिला खिला के ये लोग जो वायरल करते हैं वीडियो, हम लोग उसी पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं समझते। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा बेसलेस स्टेटमेंट है। हमारे इंटेलिजेंस ने भी ये चीज को कंफर्म कर दिया है कि पूरा बेसलेस स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।